क्यों इस फेमस अभिनेत्री ने दूसरी सुपरस्टार अभिनेत्री को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया था। दोस्तों, बॉलीवुड एक ऐसी जगह है जहां पर हर दिन कोई ना कोई कंपटीशन सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर जहां बात अभिनेत्रियों की हो तो कम ही देखा जाता है कि बॉलीवुड अभिनेत्री आपस में दोस्ती रखती हो। आज एक ऐसे ही इंसिडेंट्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जो दो दिग्गज अभिनेत्रियों के बीच की बात है, जहां यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक अभिनेत्री ने दूसरी अभिनेत्री को सबके सामने थप्पड़ जड़ दिया। चलिए जानते हैं कौन थी यह अभिनेत्रियां और क्या था पूरा मामला। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर और माला सिन्हा के बारे में। दोनों जो एक से बढ़कर एक और स्टाइलिश थी, दोनों की ही अदाकारी बेजोड़ थी और दोनों ही हिंदी सिनेमा में बड़े बैनर की फिल्मों में लीड रोल किया करती थी। इनमें से एक थी माला सिन्हा, जिन्होंने बड़ी मेहनत करके फिल्मों में काम हासिल किया था और अपनी अच्छी एक्टिंग से बॉलीवुड में स्थापित हुई थी। और दूसरी अभिनेत्री थी शर्मिला टैगोर, जो एक बंगाली फैमिली से थी और 15 साल की उम्र में ही बंगाली फिल्मों से उन्होंने डेब्यू किया था और कम समय में ही हिंदी फिल्मों में उन्होंने अच्छा मुकाम बना लिया था। वैसे तो माला सिन्हा शर्मिला टैगोर से इंडस्ट्री में काफी सीनियर थी और उम्र में भी उनसे 8 साल बड़ी थी, लेकिन दोनों अभिनेत्रियों में कुछ चीज बेहद आम थी जिसकी वजह से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई थी। दोनों ही अभिनेत्रियां कलकत्ता से आई थीं। दोनों ने ही बंगाली फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की थी और दोनों ने ही बाल कलाकार के तौर पर काम करना शुरू किया था, लेकिन इनकी दोस्ती में खटास तब आई जब 1968 में यह दोनों जॉय मुखर्जी की फिल्म हमसाया में काम कर रही थी। इस फिल्म में जॉय मुखर्जी का डबल रोल था और फिल्म के डायरेक्टर भी यह खुद ही थे और इसके लिए इन्होंने दो अभिनेत्री माला सिन्हा और शर्मिला टैगोर को कास्ट किया था। दोनों एक दूसरे की पहले से दोस्त मानी जाती थी, तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह इस तरह से सेट पर एक दूसरे से लड़ाई कर बैठेंगी। जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ने लगी, दोनों के बीच विवाद सामने आने लगे। यह झगड़ा खुलकर नहीं हुआ, जबकि कोल्ड वॉर की तरह सेट पर चल रहा था, जिसकी जानकारी सिर्फ यूनिट के लोगों को ही थी, लेकिन धीरे धीरे झगड़ा बढ़ने लगा और सबको नजर आने लगा किसको कितने गाने दिए गए हैं, किसके डायलॉग कितने हैं और किसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। इस पर दोनों की प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। एक दिन खबर बाहर आई, आज कॉस्ट्यूम को लेकर दोनों में तनातनी हो गई है। माला सिन्हा को लग रहा था कि शर्मिला टैगोर को ज्यादा अच्छे कपड़े दिए जा रहे हैं और शर्मिला का भी कुछ ऐसा ही सोचना था, जिसके बाद हर चीज को लेकर दोनों के बीच में इसी तरह की तुलना होने लगी। लेकिन धीरे धीरे सेट पर ग्रुपिज्म शुरू हो गया। कुछ क्रू मेंबर शर्मिला के ग्रुप में आ गए और कुछ माला सिन्हा के, लेकिन यह झगड़ा तब बढ़ गया जब माला सिन्हा ने एक फिल्म सीक्वेंस के दौरान कथित तौर पर शर्मिला को थप्पड़ जड़ दिया। बताया जाता है कि लोगों के बीच बचाव करने के बाद इन दोनों को अलग किया गया और आगे की शूटिंग कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद यह बात सभी जगह फैल गई। लेकिन जब इन दोनों से पूछा गया तो इन्होंने इस बात से साफ इनकार कर दिया और कहा कि फिल्म के प्रमोशन के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई गई होगी। इस घटना के पीछे की सच्चाई क्या थी यह तो कोई नहीं बता सका, लेकिन बॉलीवुड अभिनेत्री के एक साथ किसी फिल्म में काम करने पर इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं।